मोमोज की चटनी मांगने पर दुकानदार ने मारी। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगली बार जब आप दुकानदार से चटनी मांगो तो पहले दुकानदार का चरित्र जान लेना, कहीं चटनी के चक्कर में कोई तुम्हारी गुल्लक फोड़ दे। तो अपनी अपनी गुल्लक संभाल के रखो भैया, लोग 377 लगने के बाद गुल्लक फोड़ के प्यार का इजहार कर रहे हैं, सवार ही अपने गुल्लक की खुद जिम्मेदार है। भाई पार्ट टू चाहिए इस वीडियो का, भाई इस वीडियो का पार्ट टू भी होना चाहिए। भाई इसका पार्ट टू बना, भाई इसका दूसरा पार्ट बना, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट। स्टार्ट करें फिर। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो क्या हाल है, पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि कैसे न्यूज़पेपर वाले हेडलाइंस के नाम पर बकचोदी पेले जा रहे थे। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने पेश है फनी न्यूज़पेपर हेडलाइंस पार्ट टू। आपने अपनी लाइफ में आज तक बहुत चीजें देखी होंगी, लाइक उड़ने वाली लौंडिया, पबजी वाली लौंडिया, पाद मारने वाली लौंडिया। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ न्यूज़पेपर वाली लौंडिया। भाई साहब ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ने को मिल जाए तो मैं तो इसकी बंगाल की खाड़ी तक की न्यूज़ पढ़ डालूं। एनीवे, हम बात कर रहे थे न्यूज़ की, तो आज की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। केला खाने से महिला हुई प्रेग्नेंट। अबे कौन सा केला खा लिया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल गई लौंडिया को। भाई ये तो अंधेरे में कोई शब्द वेदी बाण चला गया, बताओ बिना मतलब लौंडिया चार्ज कर दे। क्या हो रहा है भाई, लैंड कराओ। नेक्स्ट न्यूज, आई स्लेप्ट विद 1000 मैन बट आई यूज्ड टू बी अ मैन माइसेल्फ। एक तो यार इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती, अगर यू डिक्शनरी ऐप मेरे पास नहीं होता मेरा क्या होता। भाई यू डिक्शनरी ने ना एक बैरेंट फीचर लॉन्च किया है, मैजिक ट्रांसलेशन। ऑल यू नीड टू डू इज अपना यू डिक्शनरी ऐप ओपन करो, सेटिंग में जाओ, मैजिक ट्रांसलेशन को ऑन कर दो और बूम, जहां भी कुछ इंग्लिश का मिले उसे तुरंत ही हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, है ना सिंपल। तो देख क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, उसे जाके डाउनलोड करो और इस अमेजिंग फीचर का फायदा उठाओ। अगली खबर, गुड मॉर्निंग मैसेज पर लगेगा 18% जीएसटी। अरे बाप रे, अब भाई हम जिए कि ना जिए, 15,000 की बाइक पे लोगों का 35,000 का चालान कट रहा है और अब अगर गुड मॉर्निंग के मैसेज पे भी जीएसटी घुसेड़ दिया तो आधा हिंदुस्तान तो सोता ही रह जाएगा। हिंदुस्तान सोता रह गया तो लोग अपनी बाबू सोना को उठाना छोड़ देंगे, बाबू सोना नहीं उठी तो यार लोग मार्केट जाना छोड़ देंगे, मार्केट नहीं गए तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा तो जीडीपी और डाउन जाएगी। क्या हो रहा है, यहाँ चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर पहले ही चंद्रयान 2 से हमारा कनेक्शन टूट गया और ये हर चीज में जीएसटी घुसेड़ेंगे। भाई 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड कराते। अगली खबर, लड़के ने लाल झंडी दिखाकर रुकवाई राजधानी एक्सप्रेस, फिर सेल्फी ली और भाग गया। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई, इस दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके कॉन्फिडेंस का मैं कायल हूँ। पहला अपना ये भाई, जैसे कहीं जाना था तो उसने पुलिस वालों को ही कॉल कर दी। तो भाई जी, तेने 100 नंबर फोन किया था? जी करा था। क्या कही थी? मैंने कहा था मुझे गिन्नौर जाना था। तो 100 नंबर पर फोन करा तुमने कि मुझे गुडनौर जाना? जी सर, मैंने 100 नंबर पर फोन करा। तो 100 नंबर की गाड़ी लेके जाएगी तुझे? सर 100 नंबर पर फोन करा तो और 100 नंबर की गाड़ी नहीं लेके जाएगी। दूसरा अपने पैराग्लाइडिंग वाले भाई, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है बस। वो बात अलग है कि थोड़ी देर में भाई की गुड़गांवा बन गया। मैं माता चूलूं जो इसमें आया हूं। पर कॉन्फिडेंस तो है ना, तो ऐसा ही कुछ कॉन्फिडेंस मुझे इस भाई के अंदर लग रहा है। अबे सेल्फी के लिए राजधानी रोक दी बे, कल को भाई सेल्फी के लिए मुंह में बिजली का तार देके पिछवाड़े से बल्ब जला दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। दिगी दिगी बम बम। अगली खबर, फिजिक्स का पर्चा देख कर फटी, प्रश्न ही समझ नहीं आए। थेला जब देखो फटती रहती है। अब जब इंडियन मूवी से फिजिक्स पढ़ोगे तो ग्रेविटी के नाम पर चीजें ऊपर ही उड़ाओगे। क्या हो रहा है? अगली खबर, चैटिंग से बने लवर, मिलने पहुंचे तो निकले पति पत्नी। वाह बहन चो, याद है मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ऐसे ही एक कपल से मिलवाया था, पत्नी ही निकली फेसबुक फ्रेंड। अबे लौंडिया तो बड़ी चालाक निकली है, लौंडे का डबल चूतिया कट गया। मतलब दोनों ही ठरकी हैं, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हाँ तो इनका केस भी कुछ ऐसा ही है, आजकल सारा लोगों का एक लोगाई से काम ही नहीं चल रहा है। तो कोई नहीं, इस दुनिया में इस चीज का भी सॉल्यूशन है। भाई कहा जाता है ना कि अगर किसी देश का राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है तो वो जगह जन्नत बन जाती है। तो इस धरती पर भी जन्नत है मेरे भाई, जन्नत है। स्वाजीलैंड के राजा का आदेश, 2 या 2 से ज्यादा महिलाओं से शादी करें नहीं तो भेज देंगे जेल। कुछ देर पहले मैं एक फरिश्ते की बात कर रहा था ना, वो यही है। अबे जितनी मन चाहे उतनी लगाई रखो, खुली छूट है। अभी और सुनो, कम से कम करनी होगी 5 शादियां, शादी का खर्चा सरकार उठाएगी। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक।
तो भाई करंट कर स्वाजीलैंड की, मैं तो बोलता हूँ संडे मंडे के हिसाब से 6 बीबियां रखेंगे और संडे का रखेंगे ऑफ, और वहाँ तो शादी का खर्चा भी सरकार उठाए दी है, जहाँ डिमांड ज्यादा वहीं चलते हैं ना। अबे जितनी मन चाहो उतनी बीबी रखो। टू मच फन। अगली खबर, क्लास में सीट पर आगे बैठने को लेकर पटना कॉलेज के छात्रों के 2 गुट भिड़े, मारपीट पथराव बमबाजी। बमबाजी? अबे डेडिकेशन देख रहे हो पढ़ाई का, आगे बैठने के लिए एक दूसरे पे बम फोड़ रहे हैं। एक हम थे जो पीछे बैठने के लिए लड़ा करते थे। अब मेरी बात सुनो, अब अगर बिहार बोर्ड का कोई बच्चा टॉप मार जाए ना, तो उसकी पढ़ाई पर संदेह मत करना। तुम्हें क्या पता बंदे ने कितना स्ट्रगल किया होगा आगे बैठने के लिए। गंदी सोच भाई, लैंड कराओ। अगली खबर, व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़ा, सुलह कराने गए एडमिन की हत्या। अब भी भलाई के जमाने नहीं रहा, एडमिन ही पील दिया। बताओ साला, आजकल एडमिन बनना भी खतरे से खाली नहीं है। मैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट मार रहा हूँ भैया, फालतू में कौन पंगा ले। क्या हो रहा है? अगली खबर, गंजे लड़कों पर मर मिटती हैं लड़कियाँ। अरे पैंचो, अब समझ में आया अपना जॉनी भैया इतना सक्सेसफुल क्यों है। इसलिए नहीं कि उसके पंप में दम है, मतलब ये भी एक फैक्टर है, बट मेन कारण उसका गंजापन है। मैं तो बोलता हूँ उस्तरा लेके आज ही खोपड़ी छील दो। दिगी दिगी बम बम। अगली खबर, चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर कटेगा चालान। हाँ भैया, आजकल तो पुलिस वाले कुछ भी काट सकते हैं, पहले लड़कियां काट रही थी, आजकल पुलिस वाले काट रहे हैं। टू मच फन। अगली खबर, बॉयफ्रेंड पर पैसा उड़ाने के लिए चोर बनी युवती। अबे ऐसी लड़कियां होती कहाँ है बे, जो इतना शिद्दत वाला प्यार करती हैं। मैंने आज तक जितनों के बारे में सुना सब खर्चा ही कराती थी। ऐसी लड़कियां होती भी हैं कि वैसी हवाबाजी चल रही है। भाई लैंड कराओ। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी से रिलेटेड न्यूज। पहली खबर, लगातार 7 दिनों तक पकाई लौकी, पति ने केस दर्ज करवाया। ये भी सही है, एक पति थाने में रिपोर्ट लिखवा रहा है कि उसकी बीवी उसे देती नहीं है। तो तुम क्या रिपोर्ट क्या लिखाओगे बताओ? सर हमें रिपोर्ट ये लिखा रहे हैं कि हमारी बीवी हमें रोज डेली दे, जब हमारा मन पड़े तब दे। आना दे तो ना दे, तो पुलिस रिपोर्ट करेंगे सर। भाई कौन धारा नहीं बनी, कौन धारा मान बोलेंगे। दूसरा लौकी से परेशान होकर केस दर्ज करवा रहा है। क्या हो रहा है? अगली खबर, चाय मांगने पर पति की हत्या। अब आदमी चाय भी ना मांगे, मतलब ये है तुम्हारे संस्कार, ये है तुम्हारी आस्था, ये है तुम्हारी जीडीवी? नहीं मतलब भावनाओं को समझो। चाय मांगने पे बंदा पील दिया, अरे भगवान ने मुंह दिया उससे मनाही कर देती यार, जिंदा बंदा मार दिया। चाय पीनी छोड़नी पड़ेगी साली। अगली खबर, पत्नी बोली पति नेक दिल है, झगड़ता नहीं, तलाक चाहिए। अबे आजकल की लड़कियों को चाहिए क्या बे? शरीफ पति भी नहीं चाहिए, लड़ाकू पति भी नहीं चाहिए, तो लौंडे करें तो करें क्या, मुंह में बिमल दे के बैठे रहे में? बोलो जुबा केसरी। अगली खबर, अब पत्नी के साथ घर में रह सकेगी गर्लफ्रेंड भी, कोर्ट। ये आई काम की न्यूज, देखो कैसे मन में लड्डू फूट रहे हैं। डर जाओ, सरकार अलाउ तो कर देती है लेकिन उसके दुष्परिणाम नहीं बताती है। अब ये बताओ, जब बीवी के संग गर्लफ्रेंड रहेगी तो घर में जो जूता बाजेगा उसकी भरपाई कौन करेगा? फूटेगा तो तुम्हारा ही सर ना। तो भैया ये वाला स्टंट है ना, अपने रिस्क पे करना भाई। तो 200 ज्यादा ले लेकिन लैंड करा दे। अगली खबर, बॉडी तो बना ली अब नहीं बन पा रहे पिता। बेटा यही होता है जब नेचुरल चीजों को छोड़कर तुम इंजेक्शनों का सहारा लेकर बॉडी बनाते हो। बॉडी तो बनानी, नुन्नु छोटा रह गया। क्या फायदा है ऐसी बॉडी का जो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई ना कर पाए। बहुत हरामी हो भाई, मैं कसम से कितनी ठरकी बातें करता हूँ। असली है ये लौंडा। अगली खबर, जोमेटो बॉयज ने चुराया स्विगी के डिलीवरी बॉय का मोटरसाइकिल। अबे आजकल जोमेटो वालों के आतंक कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गए? वैसे जोमेटो बॉय होते बहुत मेहनती हैं यार। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जो काफी वायरल हुई थी, भाई घर के अंदर जाकर डिलीवरी दे रहा था। अब जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। जो भाई जॉनी भैया की तरह अपना कैरियर बनाना चाहते हैं ना, वो लोग अपनी टिकट कटाओ और जापान पहुंच जाओ, क्योंकि तुम्हारा सपना जापान में ही पूरा होने वाला है। जापानीज पॉर्न इंडस्ट्री हिट बाई शॉर्टेज ऑफ मैन, ओनली अबाउट 70 मेल एक्टर टू 10,000 वुमेन। भाई साहब इतनी तगड़ी वैकेंसी भी नहीं निकली होगी, मतलब मजे के मजे और पैसे के पैसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी पॉर्न संस्कारी पॉर्न होती है, मतलब ब्लर मार देते हैं यार ये लोग। अब मेरी बस इन लोगों से एक ही शिकायत है, अबे दिखा रहे हो तो ढंग से दिखाओ, ब्लर मारने से वो कोई फैमिली फ्रेंडली कंटेंट तो बन नहीं जाएगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। क्या बकचोद वीडियो बना रहा हूँ मैं। खैर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर आप हमारे पाठशाल में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब के बगल में जो घंटा है उसे दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना, वरना फिर कहोगे कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता। वैसे मैं वीडियो भी कहां डालता हूं। अगर आपको मेरी बकचोदी पसंद आ रही हो ना तो फॉलो करो यार इंस्टाग्राम पर। बाकी यू डिक्शनरी ऐप काफी यूजफुल एप्लीकेशन है, उसे आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट।